देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज और मैं हूं प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। कुशीनगर में रेलवे क्रॉसिंग पर आज एक भीषण हादसा हो गया। दरअसल सुबह 7 बजे के आसपास एक स्कूल वैन सिवान से गोरखपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे वैन में सवार 13 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार को 90 दिन के अंदर पेंशन धारकों को पेंशन देने को कहा है। कोर्ट के इस फैसले से 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल ग्रामीण बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार ये कहकर पेंशन नहीं दे रही थी कि ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर एसपी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। मुलायम सिंह ने कहा कि एसपी बीएसपी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एक तरफ जहां एसपी बीएसपी गठबंधन को हरी झंडी दिखाते हुए इस गठबंधन का समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर पूरी तरह से उन्होंने एतराज जताया है। देश में सख्त कानून बनने के बाद भी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। फरीदाबाद में 5 साल की बच्ची की हत्या कर शव के साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक बच्ची के चाचा का दोस्त था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम राहत मिलने की आस लगाए बैठा था, मगर कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया है। इसी के साथ जेल में रिहा होने की उसकी उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। अब आसाराम बंदी से मुजरिम बन गया है। जेल प्रशासन ने आसाराम को कैदी नंबर 130 बनाया है। नाबालिग से बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद 1 सितम्बर 2013 को आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी। मुजरिम करार होने के बाद अब आसाराम को आश्रम का खाना भी नहीं मिलेगा, उसे कैदियों की तरह ही जेल का खाना पड़ेगा। सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। विधि मंत्रालय में मौजूद सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। इस तरह बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली वो पहली महिला जज बन जाएंगी। तो ये थी ग्रामीण न्यूज पर देश की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।